ये पैसे रखिए और ये ठीक से पहुंचा दो। अच्छा सुनैना, अब तो जा। थैंक यू माई, अगर तू ना होती तो जुगनू कभी ना मिलता मुझे। थैंक यू मत बोल सुनैना, तू और जुगनू एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बना के भेजता है। तू जल्दी से निकल जा। अच्छा सुन, मेरी मान तो तू भी भाग जा यहाँ से, ये लोग तुझे मार देंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, और जब तक इनको इस कान के बारे में पता चलेगा ना, तब तक तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगी। तो मेरी चिंता मत कर, जल्दी से निकल। देखो, मेरी कोई गलती नहीं है, वो लड़की अपनी मर्जी से भागी थी। प्लीज मुझे जाने दो। तुझे पता था वो सरपंच की बेटी? बोल। हाँ पता था। सरपंच की बेटी प्यार नहीं कर सकती क्या? यहाँ कोई भी प्यार व्यार नहीं कर सकता मैडम, सब गैर कानूनी है। अगर अपनी जान बचानी है तो बता दे सरपंच की बेटी कहाँ है। जान बच जाएगी तेरी, क्योंकि कबूतर चाहे कितनी भी तेज उड़े, बाज के पंजे में आ ही जाता है। बाज की फितरत है जान लेना, पर कबूतर भी अपनी सच्चाई इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। जी सरपंच, लड़की मेरे साथ ही है, रात तक मिल जाएगी आपको। जब थारी रैन मुंह काला करके भागी थी ना, अरे ढूंढ के तभी काट डाला होता उसे, तो आज मारी छोकरी ऐसा कदम ना उठाती। जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आ। बस एक बात पता चल जाओ, बीच चौराहे पर जिंदा ना जला दिया तो तू है मारे सरपंच होने पर तू है। उसके बाद ही गाँव की कोई भी छोरी ऐसा कदम उठाने से पहले लाख बार सोचेगी, लाख बार। जी सरपंच, गिरदार चलो। रख लो, जानती हूँ तुम्हारी नौकरी में सब चलता है। रखो। अच्छा तो ऑनेस्ट टाइप वाले हो तुम, अगर इतनी ईमानदारी हो सर ये बताना कि कौन से जुर्म में पकड़ा है तुमने मुझे, और ऐसी कौन सी दफा है जो दो प्यार करने वालों के लिए तुम्हारे कानून में, जरा बताना मुझे। दो प्यार करने वालों को हमेशा साथ में रहना चाहिए, इतना नहीं जानते तुम? और तुम्हें तो मदद करनी चाहिए उन लोगों की। गिरदार मुंह बंद कर इसका। ये क्या मेरा मुंह बंद करेगा, ये तो पुलिस की पहनी है लेकिन अभी भी तुम सरपंच के कुत्ते बन के घूम रहे हो, कुत्ते। सुन रही लड़की,
मजबूर मत कर मुझे कि मैं भूल जाऊं कि तू एक लड़की है। ऐसे बावड़े रहे सरपंच की बेटी ना, तुम्हारी खुद की बहन हो। पांच साल पहले जब तारी बहन अपना मुंह काला करके इस गांव और इस गांव की मर्यादा को मिट्टी में मिला के भागी थी ना, तब मन ने बचाया था थारे परिवार को, अन्य ना तो पंचायत अन्य और थारी माँ को ये गांव समाज के बाहर भेज देती। अन्य पढ़ाया लिखाया, ट्रांसफर करवाया इस जिले में नेतागिरी का चक्कर चला के। अन्य जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो इतिहास फिर से दोहराया ना जाए। फिर वो छोरी उस लौंडिया ने थारी चौकीदारी के बावजूद मारी छोकरी को उस लौंडे के साथ भगवा दिया और तने से कुछ ना हो सका। अब कुछ भी कर, मुझे ये तीनों चाहिए जिंदा लेके आया, उनकी लाश लेके आ, समझा? सरपंच जी मैं ड्यूटी पे था, मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी, गिरधर को भेजा था मैं। मिनिस्टर गया तेल लेने, तने ये वर्दी और ये स्थान मन ने दिलवाए से, मन ने तू महारा होकर पहले है, बाद में उस मंत्री का, तू कुत्ता है हमारा कुत्ता। अगले 24 घंटे में वो लड़की आपके सामने। साहब जी सांसें तेज तेज चल रही है मेरी, मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं इस लड़की के पीछे दौड़ रहा हूँ। अब तो इसकी ऐसी बारात निकलेगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी ये। याद तो तब रखेगी जब जिंदा बचेगी। गाड़ी रोको, मैंने कहा ना गाड़ी रोको, मुझे सुसु जाना है। ठीक है मत रोको, मैं गाड़ी में ही कर दूंगी। जा ले जा लड़की को, हाँ दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इस बार ये लड़की गायब हुई तो तू हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ऐसे के तारे से चल भी चल। चल बाहर आ, यहाँ घनी झाड़ियां हैं, यहाँ सुसु और खुरपी एकदम आराम से हो जाएगा सुकून के साथ। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, जाओ बेखौफ होके करो। ओए क्या बेखौफ होके, मेरी हथकड़ी तो खोल। हथकड़ी नहीं नहीं, यही तो फिर से भाग गई तो। अरे ताऊ खोल दे ना, तेरी छोटी बहन जैसी हूँ, तो फिर तेरी छोटी बहन सेम ऐसी सिचुएशन में फंस जाए क्या, तब भी तो यही कहेगा? ठीक है पर ज्यादा दूर मत जाना। खोल दे। ओए इसे पीछे पीछे क्या आ रहा है, वहीं खड़ा रह और मुंह उधर कर ले। मुंह उधर कर ले ना, सोच अगर तेरी छोटी बहन ऐसे ले में सुस्तू करेगी तो। बस 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 उधर कर। पीछे मुड़के क्यों देखा? टेस्ट ले रही थी मैं तेरा। अगर अब तूने पीछे मुड़के देखा ना, तो ऐसा श्राप दूंगी कि तेरी बहन भी भाग जाएगी। चल पीछे मुड़के देख।
समझ गया मैं, टेस्ट ले रही है तू मेरा, ले 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 ले, कितना टेस्ट लेगी, लेकिन इस बार मैं फेल नहीं होने वाला हूँ, समझ गई ना तू? साहब, लड़के फिर से चकमा दे गई। मजबूर मत कर, गांव के सरपंच से पहले मैं ही बता दे सरपंच की बेटी कहां है, नहीं तो क्या मार डालोगे? मारो मारो मुझे, अगर मेरे मरने से तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है तो मार डालो, वैसे भी मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, अनाथ हूं मैं। इतनी आसान मौत नहीं मरेगी, पूरे गांव के सामने सजा मिलेगी, ताकि तेरी जैसी हरकत वापस कोई लड़की ना दोहरा सके। ऐसा वैसा करने में मजबूर मत कर मुझे, पर एक और इल्जाम लग जाए। सरपंच की बेटी कहाँ है बता? मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होगी तो मैं नहीं बताऊंगी, समझे? किस बात का घमंड है तुझे? घमंड नहीं है, विश्वास है खुद पर, समझे? देख, तू एक लड़की है, मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ तेरे साथ। अच्छा, क्या करोगे? क्या कर सकते हो तुम? इन गांव के मर्दों से तुमने यही तो सीखा होगा, औरत को जूती के नीचे रखो, उसकी रिस्पेक्ट ना करो, उसे प्यार ना दो। लो, निकाल लो अपनी भड़ास। हे भगवान, बचा ले मुझे। तेरे इस नाटक में रास्ता भटक गया। भटकोगे नहीं तो खुद को ढूंढोगे कैसे, और ढूंढोगे नहीं तो खुद को पाओगे कैसे? नो नेटवर्क, जंगली जानवर हैं आगे।
से मुझे किसी जंगली जानवर का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जिस जंगली जानवर के साथ मैं हूँ वो सिर्फ जानवर बनने की एक्टिंग कर रहा है। इतनी सुंदर आंखें दी है भगवान, इन्हें चश्मे के पीछे क्यों छुपा के रखते हो? हाँ, कोई राज है? क्या इल्जाम लेकर घूम रहे हो मिस्टर? मुंह बंद कर लड़की अपना। पता नहीं किस पागल लड़की के चक्कर में फंस गया मैं आज। ओए, मुझे पागल मत बोलो। हाँ, पागल तो तुम और वो तुम्हारा सरपंच। 2016 में जी रहे हो पर प्यार करने की आजादी नहीं है। अब तुम खुद ही बताओ क्या करते वो लोग? भागना ही लास्ट सॉल्यूशन था उनके सामने। हाँ, और छोड़ गए अपने परिवार को, लोगों की गालियां और ताने सुनने के। भागना बहुत आसान है। तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो मिस्टर राग बबुला? अच्छा सोचो, अगर तुम्हारी बहन होती और उसे किसी से प्यार हो जाता और वो किसी साथ भाग जाए तो? ए! एक वर्ड और नहीं। पता नहीं कहां गया, फोन भी ना लागे। कल्लू, सतवीर, तुम जाओ और उस लड़की को ढूंढ के लाओ, कैसे भी कहीं से भी ढूंढ के लाओ। एक वही लड़की है जो सुनैना और जुगनू का पता जाने है, तुम्हारी खोपड़ी मारे को कुछ संदेश दे रही है। ये राजवीर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? सतवीर, कभी किसी फालतू कुत्ते को अपने मालिक से गद्दारी करते हुए देखा है? नहीं मालिक। पता नहीं क्यों मन ने ऐसा लागे से कि मारा पाला हुआ कुत्ता मारे से गद्दारी करने वाला है। सरपंच से वफादारी करने की वजह से आज तुम इस जंगल में भटक रहे। मैंने कहा था नहीं गलत रास्ता है, तो पुलिस चलते सिर्फ जयंती है, मुझे भी पसंद। हंसते हंसते हैंडसम लगते हो तुम, उसी गांव का पानी पी के तुम भी बड़े हुए हो, पर गांव के बाकी मर्दों से बहुत अलग हो तुम। अजीब बात है, हम दोनों ही बंधे हुए हैं। मैं इसलिए क्योंकि तुम लोगों के हिसाब से मैं गलत हूं, और तुम इसलिए क्योंकि तुम गलती कर रहे हो। शायद कोई इल्जाम ही है जो तुमसे गलती करवा रहा है। तुम सबकी लाइफ में यूं ही इंटरफेयर करती? नहीं, उनकी लाइफ में जिनके बारे में मैं अच्छा सोचती हूँ। क्या बोल रहे हो राजवीर जी? मैं? हाँ तुम। मैं तो खामोश हूँ। इसे पता है, खामोशियाँ ही सबसे ज्यादा बात करती हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ ना?
प्यार व्यार जैसी चीज पे आप लोग जैसे लोग विश्वास करते हैं मैडम, तो सपनों में रहते हैं, मेरे जैसे लोग नहीं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरे साथ कुछ हुआ है क्या? चेंज कर लिया? हाँ। चले। आगे फिसलन, ध्यान से चलना। एक बात बताओ, तुम लोग प्यार कितना अगेंस्ट क्यों हो? अब तो मोबाइल में भी सिर्फ जोड़ियों में आते हैं, पता है क्यों? कि हर जगह प्यार ही प्यार है, प्यार ही है वो इस महंगी दुनिया में जो सबसे ज्यादा फ्री है। प्यार जीने की खुशी देता है, लड़ने का हौसला और जीने की उम्मीद देता है प्यार। ना इसका कोई धर्म है और ना ही कोई सीमा, ये बस प्यार। और हाँ मिस्टर राजपूत, ये प्यार सबके लिए है। पता नहीं क्यों तुम प्यार से दूर भागते हो। राजवीर, तुम ठीक तो हो ना? राजवीर, अरे ये तो सांप ने काटा है। ओ गॉड, राजवीर सोना मत, प्लीज स्टे विद मी। सोना मत राजवीर, ठीक हो जाओगे। नैना दीदी भाग गई, सरपंच ने इज्जत बचाई, परिवार की इज्जत। राजवीर, लीला दीदी, मतलब राजवीर की बहन थी लीला, किसी लड़के के साथ भाग गई, सरपंच ने इज्जत। इतना कुछ भरा है तुम्हारे मन में राजवीर, तो ये मजबूरी थी तुम्हारी। माही, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। ये लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेने गई थी। अच्छा सुनो, पास में ही हाईवे है, हम लोग आसानी से निकल सकते हैं अब यहाँ से। पर तुम तो आजाद थी, तो फिर भागी क्यों नहीं? ओए मेरे हैंडसम पुलिसमैन, जो लोग आजाद होते हैं उन्हें भागने की जरूरत नहीं होती। अच्छा हाँ, अभी मैं वो काम करने जा रही हूँ जो तुम्हें मिस्टर राजवीर से मिस्टर आग बबूला बना देगा। हाँ, तुम्हारा ही है। लकीली अभी यहाँ पर नेटवर्क भी आ रहा है,
क्या किया तुमने? कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी बहन से तुम्हारी कोई बहन नहीं है मेरी, और जो थी वो आज से 5 साल पहले मर चुकी है। अच्छा, तो मरे हुए लोगों का नंबर अपने फोन में क्यों सेव कर रहा? हाँ देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, उसका दिमाग को हाईजैक कर देता है और मिस्टर राजवीर को मिस्टर आग बबूला बना देता है। फेक हो, बिल्कुल नकली है तुम्हारा गुस्सा। अगर सच में उससे नफरत करते हो ना, चलो करो फोन अपनी बहन को और बोल दो उसे कि तुम्हारे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत है, मर चुकी है वो तुम्हारे लिए। बोलो, तुम्हें ये सब कैसे पता? जब तुम्हें सांप ने काटा था तो तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। और वही मिस्टर आग बबूला, टॉपिक मत चेंज करो, ये दो फोन और फोन करो, बोलो कि तुम उससे नफरत करते हो। बोलो, लीला तुम भैया कैसे हो? कब से फोन का इंतजार कर रही थी। भैया अब तो माफ कर दो। कैसी है तू लीला? एक बार फिर पूछ रहा हूं, भागी क्यों नहीं? अगर मैं भाग जाती तो सरपंच थारी ये सेक्सी सी गर्दन काट देता। किसकी मजाल कोई रोक दे, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क जुनून रुके नहीं। ऐ बाबरी ये आशिक प्यार की ताकत के सामने कितनी छोटी होती है। गया ना इल्जाम। ये आशिकी, ये बागसी, ये आशिकी, ये खौफसी, ये आशिकी। क्या हुआ? ठीक तो हो ना तुम? देखो गाड़ी रोको। अच्छा ये तो सरपंच के थारे बाप का पता है ना थारी माँ का पता है, फिर थारे अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? मारे घर में घुसकर मारी छोरी को भगवा दिया। पता कहां मारी छोरी? पता कहां मारी छोरी? हाथ मत लगाना, इसने कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ तो प्यार करने वालों को मिलाया। और मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि आपकी इज्जत करता हूं, डरता नहीं हूं आपकी। ओए सतवीर, देख मैंने कहा था ना थारे से कि मारा पाला हुआ कुत्ता तुम्हारे से गद्दारी करने वाला है। कुत्ता भी उसी मालिक से वफादारी करता है जो उसके लायक। अच्छा तो तू हमारे से आंख लगा के बात करेगा? जब थारी बहन भाग गई थी अपना मुंह काला करके, तब उसको क्यों नहीं संभाल सका?
2% की अनाथ लौंडिया के लिए तरफदारी कर रहा है? तरफदारी नहीं है, प्यार करता हूं इस लड़की से। जो आपके राज में बैन, हमारे इस देसीपन से प्यार हो गया। पता नहीं किस चीज में रोका हुआ था, पर तुमने आजाद कर दिया। और आज इस पूरे गांव वालों के सामने मैं तुम्हें कहना चाहता हूं दैट आई लव यू माय। आई लव यू टू राज। इस अनाथ लड़की ने मुझे रिश्तों की अहमियत सिखाई। इसने सिखाया कि हमारे पास जिंदगी में रिश्तों के अलावा और कुछ नहीं। इसने मुझे रिश्ते जोड़ना सिखाया और आपने सिर्फ तोड़ना। ओए सतवीर, अरे मारा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ लो इन दोनों को। तुम दोनों के छोटे छोटे टुकड़े करके गांव की नाली में बहा दूंगा। सुन लो गांव वालों, जो इसकी चिड़िया उड़ाई से अपनी जान गवाई से। तुमसे डर लगना बंद हो गया है सरपंच। इसके प्यार ने सारा डर मिटा दिया। आओ हमारा ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर हमला करने के जुर्म पे हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं, पकड़ो इसे। एक मिनट, तुम्हारे राज में प्यार करने वालों की बहुत बलि चढ़ी है सरपंच, पर अब और नहीं। ये चैप्टर यहीं क्लोज्ड, क्योंकि सरपंच जो इसक की चिड़िया उड़ाए उसे कोई ना रोक पाए। छोड़ो मुझे, चलो छोड़ो। इसलिए मैं यहां तुम्हें वापस लाया था। तुम्हें ने कहा था जो आजाद होते हैं वो छूटते नहीं। शर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो जीना भी फिर दुश्वार हो।